इसी फिल्म को देखने लोग जाए और चिखते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकले, इसी फिल्म को देखने जाए और लोगों को हॉल में ही हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने लगे, इसी फिल्म को देखने जाए और कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और उसका मिसकैरेज हो जाए, इसी फिल्म को देखने जाए और सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़े, क्या पता इस थिएटर से कितने लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ जाए। अब इतना डर, इतना हॉरर, इतनी खतरनाक फिल्म फिर भी लोग देखने क्यों जाए, लेकिन यहाँ उल्टा सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती थी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने के लिए, और ये फिल्म 12 मिलियन के बजट पर बनी और बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ती है 444 मिलियन, मतलब इतना गुना ज्यादा। तो ऐसी कैसी मूवी है जिसके पीछे श्रापित मनहूस नाम जुड़ा, इस फिल्म में जो भी जुड़ा, जिसने भी काम किया उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई, 20 लोग शूटिंग के दौरान मारे गए, उनकी मौत हुई, हादसे में 9 लोग मारे गए और बाकी कैसे मरे वो कोई नहीं जानता, एक पहली है। एक ऐसी डरावनी फिल्म जो वॉरन ब्रदर्स प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो उसके लोग जब इसको देखने के लिए गए प्रीव्यू के लिए कि ये फिल्म कैसी बनी है, एसी चलेगी कि नहीं, तो थोड़ी देर के बाद वॉरन ब्रदर्स की टीम सिनेमा हॉल से भाग गए, उन्होंने कहा आगे नहीं देख पाएंगे। अब आखिर ऐसी डरावनी ऐसी कौन सी फिल्म है? इस फिल्म की कहानी एक नॉवल के बेस पर आधारित है। तभी वॉरन ब्रदर्स को विचार आया कि क्यों ना इस पे फिल्म बनाई जाए। वॉरन ब्रदर्स ने इस नॉवल के राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन वॉरन ब्रदर्स जब बड़े बड़े डायरेक्टर्स को कॉन्टेक्ट किया गया तो कहानी सुनी, नॉवल पढ़ी, और किसी भी बड़े डायरेक्टर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, और जब बड़े डायरेक्टर नहीं मिलेंगे तो बड़े एक्टर भी नहीं मिलेंगे, तो हर तरफ से मायूसी मिली। तब खुद नॉवल को लिखने वाले राइटर विलियम फेरकिन ने कहा कि इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करूंगा। अब नए लोगों के साथ शूटिंग किए जाने का फैसला लिया जाता है और 1973 में शूटिंग शुरू होती है। शूटिंग के दौरान बड़ा सेट बनाया गया था जिसमें एक लिरना बैंड के घर का एक बेडरूम भी था जहाँ पे भूत आता जाता था। बता दे कि लिरना बैंड इस फिल्म की हीरोइन है। सब कुछ ठीक चल रहा था तब अचानक इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लग जाती है और पूरा सेट आग में खाक हो जाता है। इस आग में 9 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन हैरत अंगेज की बात ये है कि उस सेट का बेडरूम में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंचती जहां भूत आता जाता था। तो जो कमरे में फिल्म की शूटिंग थी वो कमरा बिल्कुल सुरक्षित था, बाकी पूरा सेट स्वाहा हो चुका था। लोग डर गए कि क्या मामला है, बातें होने लगी, फिर भी सभी को समझाकर शूटिंग शुरू किया गया और एक सीन में मेन एक्टर को तार में झुलाना था और झुलाया जाता है, तभी अचानक तार अपने आप झुलना शुरू हो गया और वो लेडी चिल्लाने लगी। सभी को लगा ये एक फिल्म का पार्ट है, लेकिन उसकी हालत खराब हो रही थी। तब उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट आने लगी, बाद में उसने लोगों को गालियां देनी शुरू की। तब लोगों को लगा कि मामला गड़बड़ है और उसे नीचे उतारा गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी की शूटिंग के दौरान वो बैसाखी पे ही सेट पे आती थी और जो बाकी इस फिल्म से जुड़े थे वो सभी फिल्म के रिलीज होने से पहले रहस्यमय से मौत हो गई और कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ। ऐसे टोटल 9 लोग मरे और बाकी रहस्यमय से मरे, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है कि कैसे मौत हुई। और ये फिल्म डिले होते होते कंप्लीट हुई और फिल्म का नाम था द एग्जॉस्टिक, जो 25 दिसंबर 1973 में इस फिल्म को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म की बजट रखी गई थी $2.5 मिलियन, बट इतने सारे हादसे हुए, इतना वक्त बीता, डिले होता गया, तो $2.5 मिलियन की जगह 5 गुना बजट में यानी $12 मिलियन में ये फिल्म बनी। तो वक्त भी लगा और बजट भी 5 गुना बढ़ गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी हवा खराब हो गई। जो भी इस फिल्म रिलीज
रिलीज होने से पहले प्रीमियम में देखने आए तब 90% लोग कुछ ही मिनटों में हॉल छोड़कर भाग गए। अब तो सारी चीजें इस फिल्म को पब्लिसिटी भी दे रही थी। तभी फिल्म के प्रोड्यूसर ने मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत ये तय किया कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 24 थिएटरों में ही रिलीज होगी और इसी वजह से लोग ज्यादा है और थिएटर कम। तो सुबह 4 बजे से लोग थिएटर के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे टिकट के लिए। मारामारी, एक दूसरे को धक्का मुक्की, यहाँ तक पुलिस बुलानी पड़ी। खैर, पिक्चर शुरू हुई, हॉल के अंदर से अजीब अजीब खबरें आने लगी। पता चला कहीं लोगों को दिल का दौरा पड़ा, प्रेग्नेंट वुमन का मिसकैरेज हो गया, तो किसी की डिलीवरी हो गई। लोग चीख रहे थे, घबरा रहे थे, कुछ लोग तो हॉल छोड़कर भाग गए। जबकि सामने पुलिस खड़ी है, फिर भी पुलिस का डर नहीं है लेकिन फिल्म का खौफ है। अब केसेस इतने बढ़ने लगे कि थिएटर के ओनर ने वहाँ के जो ऑफिशियल लोग है उनको कॉन्टेक्ट किया, बोला कि हमें कई इमरजेंसी में लोगों को अस्पताल भेजना पड़ रहा है, दहशत, हार्ट अटैक, मिसकैरेज, तो हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो आलम ये था कि ज्यादातर सिनेमा हॉल के बाहर 1, 2, 3 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, पता नहीं कब कौन सी इमरजेंसी में लोगों को ले जाना पड़ जाए। तो ये थी द एग्जॉस्टिंग की रियल स्टोरी। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो $12 मिलियन की बनी वो $486 मिलियन की कमाई कर गई और इतिहास में कोई भी हॉरर फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी। तब ये फिल्म बहुत सारे अवार्ड्स ले गई।